थोड़ा सा एडजस्ट कर। मेंडली की आवाज़ सारणी की कमी देख रहे थे, तो मेंडली की आवाज़ सारणी की कुछ सीमाएं या कमी एक ही शब्द है, उसमें कोई घबराना मत। मेंडली के वर्गीकरण की सीमाएं बोल लो, कमी बोल लो, क्या उनमें कमी रह गई थी, वो सब सब चीजें। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है, जैसा उदाहरण में दिखाया गया है। दूसरी ओर हेलोजन की भांति, हेलोजन समूह किसको बोलते हैं? हेलोजन समूह बोला जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी में देख लो, है ना, मेंडली में देखो, हेलोजन समूह बोला जाता है या संक्रमण श्रेणी का समूह बोला जाता है, समूह 17। याद रखिएगा, समूह 17 के तत्वों को हेलोजन तत्व बोला जाता है या संक्रमण श्रेणी का तत्व बोला जाता है ना। मतलब कौन कौन से तत्व शामिल हैं हेलोजन समूह में? फ्लोरिन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेमनेसाइन, टेमनेसाइन जो भी है। और इसको जो है संक्रमण श्रेणी बोला जाता है या फिर हेलोजन समूह बोला जाता है, यही समूह। और 18वें, बिल्कुल मैं बता ही चुका हूँ, 18वें को जो है वो नोबल गैस बोला जाता है, आदर्श गैस बोला जाता है, शून्य समूह बोला जाता है, सभी इसी समूह, इसी को बोलते हैं, सभी यही 18 समूह। तो 17-18 पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है किसको क्या बोलते हैं। तो इन्होंने जो है हाइड्रोजन का जो गुण थे वो क्षार धातुओं के भांति थे। क्षार धातुओं के भांति हाइड्रोजन भी हेलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है, जैसा उदाहरण में दिखाया हुआ है। दूसरी ओर हेलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्वि परमाणु कणों के रूप में पाई जाती है, धातु और अधातु के साथ सहसंयोजी यौगिक बनाती है। निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी, वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। तो हाइड्रोजन के मामले में मेंडलीव थोड़े से कंफ्यूज थे, एक तरह से ये बोला जाएगा। अगर आप उनकी टेबल देखोगे तो बिल्कुल उन्होंने जो है वो धातु के साथ रखा हुआ है इसको, हाइड्रोजन को। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब धातु हैं, है ना, और इसके गुणधर्म, इसके सब सब गुण जो जो है वो यहाँ मिलते हैं, संक्रमण श्रेणी के तत्वों से मिलते हैं। तो दिक्कत जा रही थी कि हाइड्रोजन को यहाँ रखे कि यहाँ रखे, कन्फ्यूजन की स्थिति थी, उसको क्लेरिफाई नहीं कर पाए मेंटली, ये बोलना सही रहेगा, कि क्लेरिफिकेशन नहीं दे पाए कि हाइड्रोजन को कहाँ रखें, इधर रखें कि इधर रखें, है ना। एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्षार धातु एवं हाइड्रोजन कुल की समानता को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन को मेंडली की आवर्त सारणी में उचित स्थान पर रखिए। हाइड्रोजन को किस समूह एवं आवर्त में रखना चाहिए? तो अगर हम भी देखेंगे ना, हाइड्रोजन को अगर किस समूह में रखा जाए तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि हाइड्रोजन को कहाँ रखें। देखो इसके ये हाइड्राइड जो है ना, अगर हाइड्राइड देखो, RH जो है वो RH से मिल रहा था, तो हाइड्रोजन को यहाँ रखें कि यहाँ रखें, उसको कन्फ्यूजन की स्थिति थी। हालांकि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इधर रखा जा सकता है, लेकिन मैंने बताया परमाणु द्रव्यमान बाद में वो सिद्धांत बन गया, उन्होंने रासायनिक गुणधर्म के आधार पर रखा हुआ था, है ना, और इसकी संयोजकता जो है वो एक होती है, परमाणु क्रमांक एक होता है तो संयोजकता भी एक होती है। तो मेंडलीव एक तरह से कंफ्यूज थे कि हाइड्रोजन को इधर रखें या इधर रखें, और क्लेरिफाई नहीं कर पाए कि उन्होंने इधर क्यों रखा है इसको। तो एक कमी थी इनकी, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना। तो आप इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी कि तो उन्होंने हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए थे। कमियां लिख के हेडिंग डाल के लिख सकते हो, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना। तो उसमें लिखोगे आप, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए थे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक तरह हेलोजन की भांति द्वि परमाणु कणों के रूप में पाई जाती है, और धातु और अधातु के साथ सहसंयोजक बंध बनाती है, लेकिन उसके बाद भी उसको धातु के साथ रखा गया। तो पहला जो है यही था कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था मेंडलीव की आवर्त सारणी में। दूसरा इनका कमी क्या रही? मेंडलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। अब ये समस्थानिक क्या होते हैं वो पता होना चाहिए पहले, तो समस्थानिक हालांकि 9th क्लास में पढ़े हुए, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करना बनता है। समस्थानिक के आइसोटोप क्या होते हैं? समस्थानिक बहुत अच्छा उदाहरण हाइड्रोजन का ही है। हाइड्रोजन का उदाहरण यहाँ से हट जाता हूँ मैं दूसरी स्क्रीन पर, क्योंकि यहाँ पर समझाना अच्छा लगेगा, यहाँ पे सही समझ में आएगा। समस्थानिक क्या होते हैं? इंग्लिश में आइसोटोप बोलते हैं, आइसोटोप्स और आइसोमर्स। आइसोमर्स जो है वो संभारिक को बोलते हैं। समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 परमाणु ले रहा हूँ मैं, और इसके परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक, तो बेस में एक ही एक लिखते हैं समस्थानिक को दर्शाने के लिए। परमाणु क्रमांक नीचे लिखते हैं, नीचे समझते हैं ना, जैसे अपन CO2 लिखते हैं, C2 नीचे लिखते हैं ना, वैसे बेस में लिखा हुआ है मैंने इसका परमाणु क्रमांक, और जो परमाणु भार होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, जिसका एक का परमाणु भार 1 होता है, एक का परमाणु भार 2 होता है, और एक का 3 भी होता है।
हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक पाए जाते हैं। पहले को बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे को बोलते हैं ड्यूटेरियम, तीसरे को बोलते हैं ट्राइटियम या ट्राइशियम, है ना। तीनों तीन अलग अलग समस्थानिकों, तो ये समस्थानिकों का बाद में पता चला। देखो परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का एक ही है तीनों में। अगर आप परमाणु क्रमांक देखेंगे तो परमाणु क्रमांक जो है वो एक ही एक दिखाई दे रहा है, एक एक एक, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, एक दो तीन। तो हम बोलेंगे कि समस्थानिक किसको बोलते हैं, ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक बोलते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी आने के बाद समस्थानिकों का पता चला, और जब समस्थानिकों का पता चला तो मामला गफलत में चला गया। कैसा गफलत में चला गया, जो परमाणु भार पहले फिक्स थे, हाइड्रोजन का परमाणु भार एक होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार एक होता है, और उसी जो आप मेंडलीव की आवर्त सारणी देखेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो परमाणु भार लिए गए वो एग्जैक्ट लिए गए। देखो आप ध्यान से, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो परमाणु भार लिए गए हैं वो लगभग लगभग एग्जैक्ट लिए गए हैं, 1, 6.9, 7, ये से 9.0। तो ये जो परमाणु भार लिए गए थे और इसी के आधार पर टेबल को जमाया भी गया था, समस्थानिकों के आने के बाद ये परमाणु भार में चेंज आ गया। क्यों? क्योंकि अब हमको जो जो अब स्क्रीन दिख रही है आपको, हाइड्रोजन दिख रहे हैं समस्थानिक, नहीं क्योंकि मेरे स्क्रीन थोड़ा बहुत दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शो नहीं हो रही है स्क्रीन। भैया, तो समस्थानिक जो है वो आने के बाद इनका परमाणु भार अलग हो जाने वाला था, है ना। जैसे क्लोरीन जो है, क्लोरीन के बहुत सारे समस्थानिक दिखे, बुक ने भी इसका उदाहरण लिया हुआ है। क्लोरीन जो है वो एक का परमाणु भार 35 था, एक का क्लोरीन का परमाणु भार 37 था, और इसके अलावा भी थे। तो समस्थानिक, एक समस्थानिक का उदाहरण ये भी है, क्लोरीन 35 और 37, परमाणु क्रमांक दोनों का 17 है ना। मेरे को इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, अगर मैं लिख ही रहा हूँ क्लोरीन तो मुझे वैसे लिख के दिखाना चाहिए आपको। क्लोरीन एक परमाणु समस्थानिक हो सकता है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। दो समस्थानिक लिख रहा हूँ यहाँ पर क्लोरीन के, और भी हो सकते हैं। दोनों का परमाणु क्रमांक 17 है, लेकिन एक का परमाणु भार 35 है और एक का 37 है। जब परमाणु भार अलग अलग है तो ये समस्थानिक के अंतर्गत आएगा, और ये समस्थानिक को खोज बाद में हुई मेंडलीव की आवर्त सारणी के आने के बाद, उसके कारण से इनके भारों में थोड़ा बहुत चेंज आया, इनके भारों में चेंज आया, जो मेंडलीव ने लिया था उससे चेंज हो गए, उससे फर्क पड़ा उनके। तो एक चीज यहाँ पर उनकी एक कमी यहाँ पर आ गई, समस्थानिकों को जो है वो परिभाषित नहीं कर पाए, समस्थानिकों को डिफाइन नहीं कर पाए, आइसोटोप को बता नहीं पाए कि आइसोटोप क्या होते हैं, है ना। तो समस्थानिक हम जानते हैं किस तरह के, तो समस्थानिक को इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीव के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थे। दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व तो दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया था कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, विशेषकर जब हम भारी तत्वों का विचार करते हैं। तो पहली कमी थी उनकी हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न कर पाना, हाइड्रोजन के बारे में बता नहीं पाया कि हाइड्रोजन को हेलोजन में रखे हैं या फिर धातु के साथ रखा जाए, क्षार धातुओं के साथ रखा जाए। पहली दिक्कत तो हो गई। दूसरी दिक्कत गई समस्थानिकों को नहीं बताया, समस्थानिकों को डिफाइन नहीं। तीसरी दिक्कत गई उन्होंने, उनकी खूबी थी ना कि दो तत्वों के बीच बोले खाली स्थान छोड़ दिया था कि आगे तत्व खोजे जाएंगे, लेकिन एक परेशानी इसमें ये गई कि भाई कितने तत्व खोजे जाएंगे वो भी तो पता होना चाहिए ना। वो एक तीसरी परेशानी थी कि दो तत्वों के बीच रिक्त स्थान तो छोड़ दिया, वो उनकी पॉजिटिव थी, एक अच्छी बात थी उनकी टेबल की, लेकिन कितने तत्व खोजे जाएंगे, दो भारी तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं ये वो नहीं बता पाए। मेंडलीव की एक कमी ये वाली। तीन कमियां जो याद रखना है आपको, क्लोरीन के समस्थानिक पर यहाँ पर दिया हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैंने दिया था, है ना। फिर उसके बाद आती है आधुनिक आवर्त सारणी। अब आधुनिक आवर्त सारणी देखते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा चैप्टर कितनी जल्दी खत्म हो रहा है, शायद पहले जब पढ़ा था तो इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ था, ऐसा ही होता है साइंस, दो बार तीसरी बार जब पढ़ते हैं तो चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म होते हैं। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी क्या थी, अब ये जो है वो मेंडलीफ ने बहुत हद तक शामिल कर दी थी, बहुत हद तक चीजों को सरल कर दिया था, लेकिन अभी भी कुछ कमियां थी, वो आधुनिक आवर्त सारणी में कमी को दूर किया गया। सबसे पहली बात, किसने लाई थी आधुनिक आवर्त सारणी, सन 1913 में हेनरी मोज ने लाए थे। हेनरी मोज ने आधुनिक आवर्त सारणी को जो है वो
लाए थे, किस किस सिद्धांत पे लाए थे? उन्होंने बोला परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनकी परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म। मतलब परमाणु द्रव्यमान जो है वो समस्थानिक के आने के बाद पता चल रहा है परमाणु द्रव्यमान चेंज होते जा रहे हैं, उनका औसत निकालना पड़ रहा है, गड़बड़ हो रही है। तो हेनरी मोज ने बोला कि जरूरी है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही जमा हो, परमाणु क्रमांक भी तो एक निश्चित संख्या है। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करे, प्रोटॉन की संख्या इतनी आसानी से कम ज्यादा नहीं होती, वो सेम बनी रहती। बोले क्यों परमाणु द्रव्यमान के चक्कर में नाटक कर रहा है, अपना वो चेंज कर रहा है, परमाणु संख्या के आधार पर जमा दो। बस यही कॉन्सेप्ट के आधार पर उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को जमाया। तदनुसार मेंडेलीय की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया और परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, जैसा उसमें तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं उन्होंने बोला था, इन्होंने बोल दिया कि परमाणु संख्या के, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, परमाणु भार की जगह उन्होंने संख्या लिख दिया, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तो वो उनकी परमाणु भार पर बेस थी आवर्त सारणी, इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर बना दिया। आप जानते हैं कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। एक तत्व दूसरे तत्व से बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उससे आधुनिक आवर्त सारणी बोला जाता है। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्व के गुणधर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में प्रोटॉन के आधार पर जो है, मतलब परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को जमाया गया, और ये आपके सामने आधुनिक आवर्त सारणी है ना। इसमें आपको जो है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक है तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, एक प्रोटॉन होगा। हीलियम के दो हैं तो इसमें कितने प्रोटॉन, दो। तो इसका लिथियम के तीन चार, इसमें चार प्रोटॉन होंगे, इसमें पांच होंगे, इसमें छह होंगे, इसमें सात होंगे। इस तरह से जो है उन्हें बताया गया, और क्या तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसके गुणधर्म जो है वो चेंज होते जाते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में इस तरह से इनको जमाया गया है ना। अब जब इनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर जमाया गया, इसके कारण से इसका शेप ऐसा आया हुआ है ना। अगर इसको एक जैसा बनाना, ऐसा नहीं है कि अपन कुछ भी करके बोले इसको एक और तत्व ज्ञात कर लो, इसको बराबर का कर दो, अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखने के से मतलब नहीं है, उनके गुणधर्म के आधार पर, उस समूह के तत्वों के गुणधर्म के आधार पर जो है उन्हें जमाया गया था। ये बढ़िया है। अब यहाँ पर जो है इस कलरफुल को थोड़ा सा मीनिंगफुल में कन्वर्ट करते हैं, चेंज कर देखते हैं। यहाँ पर जो है दिख रहा है अल्काली मेटल दिया हुआ है, ये वाली जो है वो अल्काली मेटल है। अल्काली और अल्कलाइन मेटल क्या, मेटल क्या होती है, 12th क्लास में पढ़ोगे। मुझे एक्चुअली ज्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है उस बारे में, है ना। मेरे लिए अभी 10th क्लास में जो है ये सारी मेटल्स हैं, अल्काली और अल्कलाइन मेटल जो है वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। 10th क्लास में मेरे लिए सब ये मेटल मेटल है, यहाँ से यहाँ तक ये सारी की सारी मेटल है। हालांकि अब नाम निकला है तो अब दिखा देते हैं, चलो क्या मतलब होता है। फिर उसके बाद ये वाली जो दिख रही है ये उपधातु है, मतलब ये सारी धातुएं थी, ये सारी उपधातु हैं, और इसके बाद जितने भी हैं सब आधातु हैं। तो टेबल तीन पोर्शन में बटी हुई है, मेनली धातुएं, आधातुएं और उपधातुएं, है ना। तो तीन टेबल अपने 10th क्लास में यही काम की रहती है। ये सब नोबल गैसेस हैं, ये हेलोजन समूह है या फिर संक्रमण श्रेणी का तत्व है, ये लेंथेनाइट है और ये एक्टिनाइट है। लेंथेनाइट एक्टिनाइट अलग क्यों रखे हुए हैं, एक्चुअली इनके गुणधर्म जो थे, इन तत्वों के गुणधर्म इन तत्वों के बीच थे, बेरियम और हाफनियम। हाफनियम के बीच में आते हैं इनके तत्व, मतलब ये सारे तत्व इस ब्लॉक में रखे हुए हैं, इस ब्लॉक में रखे, इसलिए येलो को दिखाया हुआ है ना। ये सारे तत्व इसमें रखे हुए, इसके गुणधर्म इसके इन तत्वों के गुणधर्म इन दोनों के बीच के थे, इसलिए पूरे तत्वों को इधर रख दिया। अब यहाँ रखते हैं टेबल आड़ी टेढ़ी हो जाती है बहुत ज्यादा, इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक ब्लॉक बना दिया और उसके तत्वों को यहाँ डिफाइन कर दिया। इसको बोलते हैं लेंथेनाइट श्रेणी, लेंथेनाइट श्रेणी, क्योंकि पहला तत्व लेंथेनम था ना, इसलिए इसको लेंथेनाइट श्रेणी बोल दिया। और यहाँ पर नीचे एक्टेनाइट एक्टेनियम था दूसरा तत्व, तो इसको एक्टेनाइट श्रेणी बोल दिया। इसके तत्व जो है वो रेडियम और रदरफोर्डियम के बीच के बिलोंग करते थे, इसलिए इसको नीचे रख दिया। यहाँ क्यों नहीं रखा, क्योंकि टेबल डिफॉर्मेशन में चली जाती, टेबल आगे पीछे हो जाती जिससे गड़बड़ हो जाती, इसलिए इन्होंने एक ब्लॉक लिख दिया और उसको नीचे कर दिया, नीचे दर्शा दिया, है ना। एक बार देखते हैं, अल्काली मेटल, अल्कलाइन अर्थ, ट्रांजिशन मेटल, बेसिक मेटल, सेमी मेटल, नॉन मेटल, क्या है। सेमी मेटल मतलब तो मालूम है आपको, अर्धचालक जिसको बोलते हैं, या उपधातु भी बोलते हैं, जो कि ये है ग्रीन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक।
याद रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेमीकंडक्टर की वजह से ही एक रूम के बराबर जो कंप्यूटर होता था वो घड़ी के बराबर कंप्यूटर पे आ सका है। आज की दुनिया सेमीकंडक्टर्स की दुनिया है, और ये सेमीकंडक्टर्स पे जो है वो पूरी आपके कंप्यूटर मोबाइल सभी इसी पे चल रहे हैं। तो कुछ सेमीकंडक्टर्स के नाम याद रखिएगा, हिंदी में उपधातु बोलते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, बोरॉन, ये सभी जो है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, बहुत अति यूज अति मचा के रखी है इन्होंने कंप्यूटर को छोटा करने में। सिलिकॉन और जर्मेनियम का बहुत हाथ है, इलेक्ट्रॉनिक्स इसके बिना वो नहीं हो सकती थी। तो उपधातु तो क्लियर है, अपने केवल एक चीज देखते हैं, एल्काली मेटल और एल्केलाइन मेटल क्या होती है? एल्काली मेटल वर्सेस एल्केलाइन अर्थ मेटल, द की डिफरेंस बिटवीन एल्काली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल इज दैट ऑल एल्काली मेटल्स हैव एन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, वेरियस ऑल एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैव टू और आउटर इलेक्ट्रॉन। ओ, बेसिक जो अंतर है वो ये है कि इनके अंतिम कोश में जो ये मेटल है, ये वाली जो मेटल है, ये वाली मेटल, इनके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे सोडियम को देखोगे तो 2 8 1, 2 8 11 हो जाएगा, है ना? और सॉरी पूरा बता दिया मैंने, ये है, ये एल्काली मेटल है ये सारी। इनके अंतिम कोश में कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा। और जो एल्केलाइन अर्थ मेटल है, एल्केलाइन अर्थ मेटल, इनके में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो हमको पहले से ही पता था। तुम पढ़े हुए बच्चे, तो उसका ट्रांजिशन मेटल में क्या अंतर है वो भी देख लेते हैं। 2 आउटर इलेक्ट्रॉन, पहला अंतर तो यही बता दिया यार, इसमें ये कोई मतलब थोड़ी ना हुआ, ये तो बकवास चीज है। एल्काली मेटल आर सॉफ्ट, हाँ ये दिए हुए हैं इसमें गुणधर्म, तो 12 का मामला है, लेकिन थोड़ा सा देखना बनता है, कोई बुराई नहीं, अपना अगर अभी से देख लेंगे कि समूह एक और दो के समूह के तत्वों में अंतर क्या है। एल्काली मेटल्स आर सॉफ्ट, सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, लिथियम बहुत सॉफ्ट होता है, चाकू से काट सकते हैं, अपने धातु धातु में पड़ा हुआ है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हार्ड, ये हार्ड होते हैं जो दूसरे नंबर पे, मैग्नीशियम वगैरह, मैग्नीशियम आप सभी जानते हो, कितना हार्ड है। ईच एल्काली मेटल है सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके में 2 होते हैं। हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं एल्काली मेटल्स पहले समूह वाले, रिलेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसकी तुलना में ज्यादा देर से पिघलते हैं। हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रांगली बेसिक, यह इसके क्षारी होते हैं, जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ना वो क्षारी होते हैं, और इसके लेस बेसिक होते हैं, क्षारी तो इसके भी होते हैं लेकिन ये स्ट्रॉन्ग क्षारी बनाते हैं, NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग क्षारक है, और MgOH थोड़ा सा वीक क्षारक तो है लेकिन वीक क्षारक है। कार्बोनेट डू नॉट डिकम्पोज, कार्बोनेट कम डिकम्पोज फॉर्मिंग ऑक्साइड व्हेन हीटेड टू हाई टेम्परेचर, इसके कार्बोनेट जो है वो डिफॉर्म नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते। कार्बोनेट किसको बोलते हैं? CO3 समूह होता है। कुछ पूछना है? नहीं, तो ये इसमें बेसिक अंतर है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इसके उदाहरण है, बेरियम, मैग्नीशियम इसके उदाहरण है। एक और देख लेते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल होती है वो क्या होती है। ट्रांजिशन मेटल क्यों बोल रहे हैं उसको? ट्रांजिशन मेटल जो बीच की है वो सबसे ज्यादा है, तो ट्रांजिशन मेटल क्या है, क्या होती है? टॉपर प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है। अच्छा, जो ट्रांजिशन मेटल होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज ये दिखी हुई हैं, एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन, इनकी ऑक्सीकरण संख्या एक से ज्यादा होती है। मैनी ऑफ देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड, इनके जितने भी यौगिक हैं वो ज्यादातर कलर्ड होते हैं। दे एग्जिबिट इंट्रेंसिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और इनमें जो है चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। दे फॉर्म आर एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ कंपाउंड नोन एज मेटल कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, थोड़ा सा वेट करो, फोर्थ चैप्टर में इसको बता दूंगा सहसंयोजी यौगिक, बाकी बच्चों को पता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज शाइनी होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई डेंसिटी होती है। कहाँ यूज किया जाते हैं? कॉइन बनाने में, इलेक्ट्रिक और हीट अप्लायंसेस में यूज किया जाते हैं, स्ट्रक्चर मटेरियल जैसे बिल्डिंग वगैरह बनाने में ये जो बीच वाले मेटल्स है उनका यूज किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पहले वाले समूह को जो है वो एल्काली मेटल बोला जाता है, इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक होता है,
सॉफ्ट होती हैं, आसानी से काटा जा सकता है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, बहुत आसानी से पिघल जाते हैं, और इसमें जो है इसकी संयोजकता जो है वो दो होती है, अंतिम कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी तुलना में हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी इसकी तुलना में ज़्यादा होता है, और इसके जो कार्बोनेट होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन इसके नहीं होते, स्ट्रॉन्ग कार्बोनेट होते हैं इसके, है ना। और फिर उसके बाद आता है ये ट्रांजिशन मेटल, तो ये ज़्यादा इनके यौगिक कलरफुल होते हैं, और इससे इन दोनों से ही कठोर होते हैं। आयरन कितना कठोर होता है, वो चाकू से नहीं काटा जा सकता, कठोर होते हैं, यौगिक कलरफुल होते हैं, और इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो चेंज होती रहती है, अलग अलग समूह में अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या पाई जाती है। तो ये थोड़ा बहुत आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली। हाँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं, 7 बज चुके हैं, सर का सुबह इंतजार कर रहे हैं, तो आई होप कुछ नया सीखा होगा, कल फिर मिलेंगे। हाँ, बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव भाई, भैया, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव।